नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शनिवार को प्रतिभा निकेतन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के छात्रों के द्वारा विभिन्न महापुरुषों, देश के अमर सपूतों की झांकी लोगों का आकर्षण केंद्र रही। शनिवार को प्रतिभा निकेतन स्कूल से तिरंगा जागरूकता यात्रा निकाली गई। तिरंगा जागरूकता यात्रा का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी और जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सक व लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर भक्त बक्सल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चों के द्वारा 5 ट्रैक्टर ट्रालियों की दांडी यात्रा, भारत की वीरांगना, देश के अमोर सपूतों, राधा कृष्ण की झांकी के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया गया एवं नगर क्षेत्र के हर चौराहे पर एक देशभक्ति डांस की मनमोहक प्रस्तुति भी बच्चों के द्वारा की गई। विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई झांकी कलेक्ट्रेट चौराहा और नगर पालिका होते हुए पुणे स्कूल में पहुंचकर संपन्न हुई। प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने बताया कि हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के साथ बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंची, जहां छात्रों ने देशभक्ति डांस कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बच्चों ने लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आज हम लोग विद्यालय के द्वारा जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो उसमें बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के भारतीय परिवेश के जो ड्रेस हैं उसमें बन करके अपनी झांकियों को प्रस्तुत किया और उसके साथ साथ जो है जो क्रांतिकारी हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बात जी लगा करके देश को आज़ाद कराए उनके रूप में अपने बन करके जो है प्रस्तुत किया। साथ साथ कुछ सांस्कृतिक झांकी राधा कृष्ण की बन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसका झांकी का शुभारंभ जो है हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ तथा लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर भक्त वत्सल जी ने संयुक्त रूप से किया। झांकी हमारी शहर के विभिन्न मार्गों कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर के जो है और पहाड़पुर तकिया होते हुए बरामद स्थान होते हुए विद्यालय पर आकर के समाप्त हुई। झांकी में जो है विशेष आकर्षणकार था लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हर चौराहे पर जो है बच्चों के द्वारा एक देशभक्ति भक्ति का डांस प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने खूब सराहा और लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया उसी झांकी के माध्यम से, और लोगों ने रास्ते में कहा कि अभी हम लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।